देखिए निशिकांत दुबे बिल्कुल अस्तरहीन आदमी है, क्योंकि निशिकांत दुबे को मैं यही सलाह दूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। कैसे वो व्यक्ति हिंदू की राजनीति करता है? निशिकांत दुबे ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र रिश्तों को कलंकित किया और उसका सीना फूला के बेसरम टाइप का बोला है कि हेमंत सोरेन बलात्कारी। अरे हेमंत सोरेन तो ठीक है, आरोप दर्ज है, आरोप तो दर्ज है कुलदीप सिंह सेंगर पे, हिम्मत है इनमें? आरोप दर्ज है डुल्लू महतो, बोल देगी डुल्लू महतो बलात्कारी विधायक है, बोल दें सब चमड़िया छील के उतार देगा। वो आदमी भागलपुर में जाके वोट दे के अंगूठा दिखाता है, कैसे उनको गोड्डा के लोग जो हिंदू के नाम पे वोट दे देते रहे भाई, जिसने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र रिश्तों को कलंकित किया और हिंदू के नाम पे राजनीति कर रहा है। शर्म आनी चाहिए निशिकांत दुबे को, चलनिया दूसरे सुपु आगे जमे अपने 72 को छेद। बिल्कुल हेमंत सोरेन को तो मैंने कहा ना फेल्योर मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा फेल्योर मुख्यमंत्री। अभी मैंने देखा कि 32 के समर्थक, अभी के मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि 32 के समर्थक बांग्लादेशी हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं वो। निशिकांत दुबे ने कह दिया कि 32 के मानने वाले बांग्लादेशी हैं तो केवल अब निशिकांत दुबे पे खेल रहे हैं। आप ही तो 32 के समर्थक, आपने भी तो 32 का विरोध किया था ना, सदन में विरोध किया था ना उन्होंने। तो मुख्यमंत्री एक मुंह का होता है, दो मुंह मुख्यमंत्री नहीं होता है, समझे? टोटल फेल्योर इनका। अरे भैया आप में क्षमता है, आप भोजपुरी विरोधी हैं, आप यूपी बिहार का लोग, तो आप में क्षमता है मुख्यमंत्री जी, बोलते हैं ना हेमंत है तो हिम्मत है। तो आपके बगल में जितना अभिषेक प्रसाद पिंटू है, सुनील श्रीवास्तव है, विनोद पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, पंकज मिश्रा है, कहाँ के हैं, कौन भाषा भाषी, मिथिलेश ठाकुर कौन भाषा भाषी है, कहाँ के? अगर कुवत है ना, गुरु जी का फॉलोअर है ना, बाबा के फॉलोअर है ना, तो हटा के दिखाइए। अगर ताकत है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर ताकत है आप मैं हटा के दिखाइए। और मैं आपको आमंत्रित कर, जैसे आप रघुवर दास को बोलते थे ना, मद रघुवर दास की एक दिन में 1985 कैबिनेट से पास करके लागू कर दिया, आपने क्यों नहीं कैबिनेट से पास करा के लागू कर दिया? इसलिए कि राजनीति नहीं हो पाती फिर उसमें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ हेमंत जी, आपके मैं हेमंत जी को चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के थ्रू, कि हिम्मत है तो आगे बहस करें 32 पे राज्य के विकास पे। मैं चैलेंज तो हार जाऊंगा, अगर उनसे हार गया तो मैं उसी दिन झारखंड छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चैलेंज तो हेमंत सोरेन को, अगर वो हार गया तो राजनीति छोड़नी हुई है। हिम्मत उनमें है? हिम्मत हिम्मत नहीं, हेमंत है तो हिम्मत नहीं, हेमंत है तो अब दिक्कत है। इस चीज को टैगलाइन बनाना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।